15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। क्या आप जानते हैं हमारे नेताओं के लिए सार्वजनिक जीवन में सारी चुनौतियों में से सबसे बड़ी चुनौती यह जानना है कि बोलते वक्त क्या कहना है, कहाँ रुकना है और क्या नहीं कहना है। वैसे बोलते वक्त क्या कहना है क्या नहीं कहना है, यह चुनौती मोदी जी के लिए तो शायद नहीं है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। चाहे अच्छे दिन आए हो या ना आए हो, विकास का सपना पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, पर मोदी जी करनी पर भले ही ध्यान दें ना दें, पर कथनी पर जरूर ध्यान देते हैं। वाह मोदी जी वाह। लेकिन शायद मोदी जी के विपक्ष में अपनी पार्टी के अस्तित्व को संभालने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी इस मामले में शायद थोड़े कच्चे हैं। अगर राहुल बाबा ने अपने बोलने की कला पर थोड़ा ध्यान दिया होता और कुछ मोदियों के काल्पनिक घोटालों की तुलना सभी मोदियों से न की होती तो। अच्छा एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे? शायद आज यह हालत ना होती। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी के सही ना बोल पाने का कारण है कि वह इंग्लिश में सोचते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। विदेश से पढ़े हैं ना और बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां भी है, अब मोदी जी कहाँ समझेंगे कैम्ब्रिज में पढ़ने वालों की बातें। तो राहुल गांधी पहले अंग्रेजी में सोचते हैं फिर उसे हिंदी में बदलते हैं, तो ऐसे में बोलना कुछ और चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी जी के पूर्वज खुद महात्मा गांधी जी भी विदेश से पढ़कर आए थे, वो जाने माने बैरिस्टर भी थे और वो भी अंग्रेजी में ही पढ़कर आए थे। महात्मा गांधी जी विलायत से पढ़कर आए, बहुत बड़े बैरिस्टर तो थे लेकिन हिंदुस्तान की जनता से जुड़ने के लिए बापू धोती पहना करते थे और महात्मा गांधी जी को बखूबी पता था कि कब कहाँ क्या कहना है। तो जब 1931 में अपनी लंदन यात्रा के दौरान गांधी जी से पूछा गया, whether he was appropriately dressed for his audience with the king at Buckingham Palace, तब गांधी जी ने अपनी सूझबूझ से जवाब दिया, the king was dressed for both of us. तो चलो विपक्षी नेताओं से ना सही अपने पूर्वजों से तो राहुल गांधी को यह सीख ही लेना चाहिए था कि किस बात को कैसे कहना है। वैसे तो हमारे राहुल बाबा की जुबान अक्सर फिसलती रहती है, जैसे कि अब भैया अब ताली बजाने का टाइम है। अंडा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। लेकिन भैया कितना कहना है और कैसे कहना है, इस समस्या का सामना राजनेताओं को हर दिन करना पड़ता है। अच्छा लेकिन जब भी वे मीडिया के सामने आते हैं तो उन्हें फटाफट जवाब देने होते हैं और ऐसे में काम आता है राजनेताओं का अनुभव। और अभी तो हमारे राहुल बाबा महज 52 साल के ही तो है, युवा नेता है, अभी तो अनुभव इकट्ठा करने की शुरुआत हुई है। गजब बेइज्जती है। रही बात बाकी राजनेताओं की, तो वह अपने अनुभव के आधार पर सच बताते हैं लेकिन कभी कभी सच बोलना भी सही प्रतिक्रिया नहीं होती। तो अगर सच कहना है तो ऐसे में काम आती है राजनेताओं के बोलने की कला, जो कि शायद भाजपा के नेताओं में कूट कूट कर भरी है, न कुछ नेताओं में नहीं है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लुक एट इट एज नॉट रुपीस फाइटिंग एंड लुक एट इट एज डॉलर स्ट्रेंथनिंग। लेकिन दोस्तों 1993 से लेकर मोदी सरकार के आने तक जब हमारा देश आतंकी हमलों से जूझ रहा था, उस समय कुछ लोग यह कह रहे थे कि भैया आतंकवाद का तो कोई धर्म ही नहीं होता, लेकिन सच शायद इसके उलट था। ऐसे में जब उन आतंकवादियों की मानसिकता लोगों को समझ में आई तो बिना किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाए सच कहने के लिए अपनी वाक चातुरता के कारण प्रसिद्ध कुछ राजनेता सामने आए। दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं सच्ची बात कर रहा हूं। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ, आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग ना हिंदू है ना मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? ये क्या है, ए
चाहे जनाब राहुल गांधी जी की बात हो या महात्मा गांधी जी की या आतंकवाद की, कि यह कम से कम लीडर्स को तो पता होना ही चाहिए कि कितना मुंह खोलना है और क्या बोलना है और कैसे बोलना है और सबसे जरूरी बात क्या नहीं बोलना है। वैसे मुझे भी पता होना चाहिए कि कब क्या बोलना है। हाँ, याद आ गया। अब मुझे ये बोलना है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। 2S की योजना हम लॉन्च कर रहे हैं, आप उसमें सहयोग दीजिएगा। पहले S का मतलब है शेयर, दूसरे का सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।